बनाई नहीं? बहुतों नहीं सर। से नहीं बनाई, क्या बात है। क्वेश्चन तो सिंपल था। बोलता है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, राम एंड कंपनी सेंट गुड कॉस्टिंग 60,000 टू श्याम एंड कंपनी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड इनकर्ड 5,400 एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सेल्स कमीशन 5% एंड डील क्रेडिटर कमीशन 1.25% इज पेबल। कंसाइनी सोल्ड गुड टू एक्सटेंड ऑफ 96,000 एंड एक्सपेंसिज वेयर 7,200। द अनसोल्ड स्टॉक वॉज वर्थ ₹1,800। इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक। इसमें तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं, नॉर्मल है। ये तो करके दे दिया है अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन। यस इसमें कुछ करना ही नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक सिंपल आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। सामान भेजे थे 60,000 रुपया का, 60,000 डेबिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट में 5,400 रुपया खर्च किया, तो 5,400 रुपया यहाँ पे खर्च दिखा दीजिए। डील क्रेडिटर कमीशन है 96,000 में बेचा है, तो 96,000 सेल्स दिखा दीजिए। एक्सपेंसेस किया था 7,200 रुपया, 7,200 रुपया का खर्च दिखा दीजिए। अनसोल्ड स्टॉक 1,800 रुपया दे दिया है, 1,800 रुपया बस खाली बच गया कमीशन। तो कमीशन क्या बोल रहा है, 5% सेल्स कमीशन एट 5% एंड डील क्रेडिटर कमीशन 1.25%, तो दो कमीशन हो जाएगा। एक जनरल कमीशन 5%, तो 96,000 का 5% 4,800 4,800 4,800। एक डेल क्रेडिटर कमीशन है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में कुछ 1,200 नहीं दिया है, तो पूरा पे आ जाएगा, पूरा पे आ जाएगा ना। डेल क्रेडिटर कमीशन कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1.25% 1,200 बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। बैलेंस निकाल दिए 97,800, 97,800 माइनस हो जाएगा आपको 60,000, 5,400, 7,200, 4,800 प्लस 1,200 और माइनस करेंगे 97,800, 19,200 प्रॉफिट आ गया 19,200। इसमें कहाँ कुछ तो था ही नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। फिर क्यों नहीं बना मोहित? नहीं बन गया, कुछ तो था ही नहीं इसमें, एकदम बेसिक क्वेश्चन था क्या मोहित? गलती सही ट्राई नहीं किया ना आप दोनों का माइक सामने सामने ऑन है, मोहित का और किसका बोल रहे हैं, दीपक और रमेश नाम से जो है, एक ही जगह है दोनों ना। यस सर। इसके लिए आवाज वैसा करके भाग रहा है। चलिए बोलते समय एक ही माइक ऑन कीजिएगा। आप समझे, कोई ट्राई नहीं किया था, एकदम बेसिक। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। द अनसोल्ड स्टॉक वाज वर्थ ₹1,800, वैल्यू करके दे दिया है, तो करना कहाँ है वैल्यूएशन? नहीं उसका बोलता है बैलेंस विद कंसाइनी। तो ये कैसे आएगा बैलेंस विद कंसाइनी? तो कंसाइनी जब बेचा था 96,000 आपका डेटर हो गया, तो क्या क्या माइनस करेगा? जो खर्च किया था आपका 7,200 रुपया वो माइनस करेगा, अपना कमीशन माइनस करेगा 1,800 रुपया, ये 1,200 रुपया कमीशन माइनस करेगा अपना, और तो कुछ माइनस नहीं करेगा। हो गया तो बैलेंस निकल जाएगा। 96,000 बेच के पैसा रखा था, 96,000 में वो काट लिया अपना 7,200 का एक्सपेंस, 4,800 जनरल कमीशन, 1,200 डील क्रेडिटर कमीशन का माइनस कर लिया। 7,200 4,800 प्लस 1,200 माइनस 96,000 82,800 सही तो है, एकदम इजी है। यस सर। इसको क्या फ्रेश से बना दे कि हो जाएगा? फॉर्मेट पे तो दिए हैं, फॉर्मेट में डालना है। हो जाएगा सर। तो क्यों नहीं बनाए थे कल? चलिए इसको छोड़ देते हैं, एकदम सिंपल है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हो गया? यस सर। यस सर। चार नंबर। मिसर्स खेमचंद एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद सेंट ए कंसाइनमेंट ऑफ 25,600 मीटर ऑफ द क्लॉथ इनवॉइस एट 11 पर मीटर।
मतलब क्या है, 11 रुपए पर मीटर पे इतना भेजा, तो पहला कौन है, मैसर्स खेमचंद एंड कंपनी, एक कंपनी बना दी है, कौन, खेमचंद एंड कंपनी, ठीक। दूसरा कौन है, वस्त्रालय और भागलपुर, वस्त्रालय भागलपुर, इसने इसको सेंड किया है 25,600 मीटर, एट द रेट ऑफ 11 पर मीटर, नहीं, Yes. It बोलता है sold to their risk. The agent sold 19,200 meters of cloth. इसके पास पहुंचा कितना होगा? 25,600. Yes. इसने इसने बोला क्या? इसमें से इसने कितना का बेच दिया? 19,200. At 15 per meter, 15 rupees per meter के हिसाब से बेच दिया. The total remittance to the consignor by the agent amounting to 2 lakh. और इसने क्या किया, इसको 2 लाख रुपए रेमिटेंस दिया, मतलब 2 लाख रुपए दे दिया, नहीं, इसको दिया, एंड द रेलवे फ्रेट पेड बाय द एजेंट अमाउंटिंग टू 16,000, इसने 16,000 रेलवे फ्रेट भी एक्सपेंस किया था, इसका एक्सपेंस हुआ था रेलवे फ्रेट, नहीं, 16,000, यहाँ तक समझ रहे हैं? The balance of the clothes unsold to be valued at cost price plus railway freight. इसमें आपको दे दिया है, कैसे valuation करना है, खुल के बोल दिया है, cost price लीजिए और खाली railway भाड़ा का proportionate कीजिए, पक्का? Yes. Stock में कितना बचा हुआ है? 25,600 में 19,200 बिक गया. 25,600. Yes. Unsold है 6,400. इसका valuation करना पड़ेगा. वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं? कॉस्ट प्लस रेलवे फ्रेट, नहीं, बोलता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर ऑफ द कंसाइनर शोइंग द प्रॉफिट मेड ऑन द कंसाइनमेंट एंड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम एजेंट आफ्टर अलाउइंग द कमीशन एट द रेट ऑफ 1 per meter. जनरल कमीशन है, कमीशन जो देगा 1 रुपया per meter देगा, इस पे जो कमीशन है एट द रेट ऑफ 1 रुपये per meter. क्वेश्चन हम यहाँ पर ड्राफ्ट कर लिए. देख क्वेश्चन में क्या था, एक खेमचंद एंड कंपनी कंसाइनर है और मैसर्स वस्त्रालय आपका कंसाइनी है. खेमचंद ने उसको 25,600 मीटर 11 रुपए के रेट से गुड्स मतलब कपड़ा कंसाइन किया. कंसाइनी ने 25,600 में 19,200 मीटर कपड़ा बेच दिया, कैसे रेट से, 15 के रेट से, जिसपे बोला उसको 1 रुपया per meter कमीशन मिलेगा. इसके पास अनसोल्ड बचा हुआ है 6,400, जिसका वैल्यूएशन करना है कॉस्ट प्राइस प्लस रेलवे फ्रेट के प्रोपोर्शनेट में, ठीक है, और कमीशन काट करके इसने क्या किया है, 2 लाख रुपए उसको रिमिट किया है. फाइनल हिसाब नहीं हुआ है, खाली 2 लाख रुपए बीच में ही दिया है, ठीक है. चलिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको फॉर्मेट के साथ में बना देते हैं, ध्यान दीजिए. तो कंसाइनर के बुक में क्या बनेगा, पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, यस सर, कंसाइनमेंट अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनता है, कंसाइनर के बुक में कौन सा दो अकाउंट बनता है, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट और कंसाइन, अब जो यहां से होमवर्क बनाते नहीं ना है, तो फिर लगता है मेरा सब मेहनत बर्बाद हो गया, इतना इजी इजी क्वेश्चन कोई बनाता नहीं है, सब डिपेंड हो जाता है, तो लगता है नहीं इतना बेकार मेहनत किए, इससे बढ़िया इतना देर में क्वेश्चन खत्म करवा देते, क्या प्रीति गलत की सही, लगता है इतना मेहनत किए, क्यों मेहनत किए थे, क्वेश्चन अच्छा से बन जाए खुद खुद, गलत की सही, इसीलिए यहाँ का टीचर लोग क्या करवाता है पता है कि नहीं, बोलता है बेकार समझाया, कोई फायदा होने वाला नहीं है, उतना देर में जो समझाएगा ना उतना देर में सिलेबस का चैप्टर खत्म कर दो, छपवा दो, क्या करेगा, सही बात है ना, समझाने के बाद ही फायदा कहाँ हो रहा है, झूठ का मेहनत बर्बाद ही ना हुआ, क्यों इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हम, जब यही क्रम बनाना है था हमको, तो कॉन्सेप्ट क्लियर बेकार ना किए,
कुछ बच्चा है जिसके लिए समझाना पड़ता है, चार पांच के लिए, बाकी तो सब उनको लगता है मैक्सिमम वो सही है, भीड़ का हिस्सा है, क्या बोलेंगे, तकलीफ हो जाता है। शिल्पी आपका बना कि नहीं शिल्पी? यस सर। ये वाला बन गया? ये वाला? यस सर। चलिए इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, कंसाइनमेंट में पहला क्या लिखते थे, पहला खर्च होता है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री भी बनाएंगे तो हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना कपड़ा भेजा था? 25,600 × 11 कुछ भी नहीं है, नहीं कंसाइनर का एक्सपेंस इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो लिख दिया, कंसाइनी खर्च करता है तो कंसाइनी का नाम वस्त्रालय है, नहीं तो टू मैसर्स वस्त्रालय अकाउंट। वस्त्रालय में क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कितना हुआ? एक्सपेंस के नाम पे क्या है उसका? फ्रेट है ना? रेलवे। एक्सपेंस रेलवे फ्रेट कितना है? 16,000। फिर कमीशन होता है 12,000 है? नो सर। फिर कमीशन के लिए भी सेम एंट्री करते हैं, टू मैसर्स वस्त्रालय। यस सर। कमीशन 19,200। जितना मीटर बेचा है उस पे 1 रुपया, तो 19,200 मीटर बेचा है 1 रुपया के रेट से लगेगा, तो 19,200 × 1 19,200। बस और कुछ नहीं है, और यहाँ पे हम सेल लिखते थे तो बाई वस्त्रालय, कंसाइनी रिसीव किया है वस्त्रालय। कितना? 2,88,000। अब रहा एक तो कंसाइनमेंट स्टॉक, यही मेन है। यस सर। इसका वर्किंग कर लेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इसके लिए हम क्या कर देंगे, वर्किंग नोट कर लेंगे, वर्किंग नोट 1 जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे और आंसर निकाल देंगे। खाली स्टॉक ही तो मेन है, बाकी तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। स्टॉक में भी कुछ कंफ्यूजन नहीं है, तो वर्किंग कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कितना मीटर कपड़ा बचा हुआ था? 6,400। कॉस्ट क्या था? 11 रुपए पर मीटर। कितना आएगा ये? 70,400। एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। अजबत बोले क्या कि चेक तो कल निकलवाए थे, तो बोल रहा है कि सेम ब्रांच से निकलेगा। 1,000 का चेक देके भेजे थे उसको निकलवाने के लिए, तो बोलता है सेम ब्रांच से निकलेगा, सक्री ब्रांच का चेक है। अच्छा, तो हम अभी फ्री होते तो आपको कॉल करते 11 बजे एक बार, अभी क्लास में है वे। ठीक, चलिए। तो कितना आएगा ये? 70,400। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला, ऐड करना है क्या? रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट तो प्रोपोर्शनल करके देंगे ना। 16,000 खर्च हुआ था, कितने पे टोटल कितना कपड़ा भेजा? 25,600 भेजे थे। बचा हुआ कितना है?
6400 कितना आ रहा है ये 74,400 हो गया। इसको यहाँ पे फिट कर देना है 74,400 आंसर आ जाएगा। तर यहाँ पे भी तो एक क्या बोलिए जो बोल रहे हैं क्या तर यहाँ पे 16,000 एक्सपेंस जो दिए हैं वहाँ पे हाँ बोलिए 16,000 एक्सपेंस जो यहाँ पे दिए हैं हाँ हाँ वो कम नहीं होगा 4,000 नहीं कम नहीं होगा क्योंकि खर्चा तो हो गया है ना तो यही ना इसको ऐड कर दिए ये जो आप जो बोल रहे हैं कम करेंगे उसी को ना कम किए इसमें जो ऐड कर दिए यही ना कम हो गया क्रेडिट कर दिए तो कम नहीं हो गया कहाँ 70,400 का था आप 4,000 रुपए इसमें लिख दिए तो इसमें जो ऐड किए मतलब क्या वही ना कम हो गया कि मेरा खर्चा हुआ नहीं है तो उसमें पड़ा हुआ है समझे आप क्या समझे जो मतलब खर्चा हुआ नहीं उसको ऐड कर दिया इधर लिखने का मतलब ये कम हो गया 16,000 खर्च 12,000 खर्च हुआ है 4,000 इसमें जुड़ा हुआ है तो जोड़ दिए इसमें इसका मतलब 16,000 इधर 4,000 इधर दिखा दिए क्या चलिए 288 प्लस 74,400 362,400 माइनस कर लेंगे 281,600 प्लस 16,000 प्लस 19,200 माइनस 362,400 45,600 आंसर दिया है 45,600 कोई दिक्कत किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ कोई दिक्कत किसी को मोहित कोई दिक्कत है ना कोई कंसाइनी अकाउंट वो कब कब रिसीवेबल हुआ है जब सेल किया था हाँ यस सर यस सर अच्छा यहाँ पर कंसाइनी नहीं था मैसर्स वस्त्रालय लिखना चाहिए था मैसर्स वस्त्रालय अकाउंट तो क्या लिखे थे मिंट्री यहाँ पे क्या किए थे इसके लिए क्या एंट्री बना था मैसर्स वस्त्रालय अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं टू कंसाइनमेंट सेल कितना का सेल किए थे 288 चलिए बस और कुछ नहीं कंसाइनी का अपना खर्चा काटेगा पहला काटेगा 2,00,000 तो बाई कंसाइनमेंट 2,00,000 बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंस नहीं तो एडवांस था ना खर्चा पहले 16,000 था यस सर कॉपी देख के बोलिए लेकिन दिमाग को कंट चालू रखिए पर रहना समझे आप यस सर गलत की सही सही सर दूसरा क्या था वो कमीशन काटेगा कमीशन तो कमीशन के लिए विनती करते थे कंसाइनमेंट टू मैसर वस्त्रालय यस सर तो बाय कंसाइनमेंट कमीशन 19,200 ठीक है चलिए एडवांस दिया जाए yes. तो बाय कैश पहले दिया था ना एडवांस यस यस ये 2,00,000 था और तो कुछ नहीं दिया नहीं सर हिसाब करेंगे कितना निकल रहा है पैसा तो 288 बेच के रखा था पैसा 288 में उतना माइनस कर लेगा माइनस करेगा 19,200 प्लस 2,00,000 माइनस 2,88,000 कितना 52,800 है आंसर 52,800 इसको क्या है? दे दिया है कि क्या किया है क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा देना कुछ नहीं है ड्यू है खाली बैलेंस ड्यू है ठीक है ना तो खाली क्या लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस क्रेडिट By balance carry down बन गया कोई दिक्कत कहाँ था एकदम बेसिक क्वेश्चन था क्या yes. yes, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो गया सर
आइसक्रीम शॉट लेते अंकित के बनाते भी हैं तो बनाया है सर आज सर जो दिए हुए थे हमारे को ट्राई नहीं किए तो कहां भेजे आप कभी नहीं भेजे आप आज भेज देंगे सर आप लोग समझ नहीं रहे हैं देखिए बिजनेस दुकानदारी सब सही है लेकिन पता है एक कहावत था शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है इसका मतलब समझते हैं आप यस सर एक रिक्शा वाला और क्या लगता है गरीब किसान और रिक्शा वाला और बैल का जिंदगी में जिंदगी किसका अच्छा है किसान का गलत बैल का बैल किसान जो है बैल को खेती कराने ले जाता है जितना देर बैल मेहनत करता है उतना देर किसान भी मेहनत करता है गलत कि सही सही है और आने आने के बाद बैल का सेवा करता है किसान कि किसान किसान का सेवा बैल करता है किसान करता है सेवा उसका घर साफ करके देता है उसको खाना देता है पानी देता है गलत कि सही तबीयत का दवाई देता है लेकिन किसान को कौन करता है किसान को करने वाला कोई नहीं प्लस बीवी सुनाती होगी गलत कि सही सही खुद बीमार होता होगा तो एडजस्ट कर लेता होगा लेकिन बैल बीमार होता होगा तो डॉक्टर से दिखाता होगा गलत कि सही तो जिंदगी किसका अच्छा वो बैल का कि किसान का बैल का कभी फील की कभी आप ये जो बात बोले सही बोले गलत बोले सही बोले सर सही बोले सर तो मतलब शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान नहीं है शिक्षा के बिना मनुष्य पशु से भी बदतर है यस सर क्या बात में दम है बहुत यस सर क्या नाम है सही गलत सही सर कभी आप लोग कैलकुलेशन करके ना देखें इसीलिए पता नहीं चलता है घोड़ा जो टांगा खींचता है ना टांगा जो खींचता है घोड़ा उसको क्या लगता है उसको जाता है तो सामने उसको मालिश करना पड़ता है घोड़ा का जो मालिक होता है ना उसको पूरा मालिश करता है रेलवे ट्रैक पर जाके देखिएगा एक घंटा मालिश करना पड़ता है उसका देह जैसे बच्चा का मालिश होता है ये पता है बात नहीं सर कोई देखा होगा दर्शन को पता होगा दर्शन देखे कभी नहीं नहीं सर ये बात किसी को पता नहीं है बिना बिना मालिश का घोड़ा चल ही नहीं पाएगा दूसरा दिन उसको मालिश करना पड़ता है पूरा एक घंटा मालिश करता है जाइएगा रेलवे ट्रैक की तरफ जाके देखिएगा जहां पर घोड़ा बंधा था जहां से पूछिएगा तो जिंदगी ज्यादा अच्छा जानवर का जिंदगी ज्यादा अच्छा है यस इसीलिए बोल रहे हैं अभी आप लोग जो कर रहे हैं सब ठीक है बिजनेस कीजिए जिम कीजिए गाना सीखिए डांस सीखिए सब कुछ सही है लेकिन शिक्षा भी उसमें बहुत जरूरी है समझे कि नहीं यस सर थ्री इडियट्स में देखे थे ना उसको जो बोलता है बहुत पैसा जहां तक देख रहा है सारा जमीन हमारा है लेकिन लोग पीछे में क्या बोलते हैं अंगूठा छापी बोलते हैं नहीं उसको दर्द हमेशा रह जाता है गलत की सही सही है सही इसके लिए ठीक है जो कर रहे हैं ठीक है लेकिन कहाँ ज्यादा दो घंटा तो मेहनत करना है जो अब दिन भर में मेन चीज पे दो घंटा अगर नहीं निकाल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या रही सब गलत की सही बोल रहे हैं आपको सही बोल रहे सर सब कुछ सही हमारा ही पर्सनल लाइफ है ठीक है लेकिन सबसे पहला ये है तो सब कुछ है कभी भी याद रखिए ये है तो सबसे दो काम होता है आप लोगों का प्राइमरी और सेकेंडरी कभी आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी समझे ही नहीं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब जगह देते हैं पार्टी फंक्शन हो गया डांस कूद हो गया नहीं जिम हो गया पार्टी फंक्शन दोस्त के साथ घूमना हो गया पिकनिक हो गया नहीं रेस्ट हो गया टाइम बचा तब इस पे देते हैं गलत की सही यही सबसे बड़ा चीज मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी को सेकेंडरी बना दिए हैं और सेकेंडरी को प्राइमरी नहीं आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं आपके पास दो ऑप्शन है पढ़ना भी है और आराम भी करना है थके हुए हैं तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे पढ़ना और आराम करना पहले हम इसको असाइन करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में तो प्राइमरी कौन है पढ़ना बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं चलिए आराम करना तो फिर ठीक है आप लोग जिंदगी ये पढ़ना एक ही लोग बोले कौन बोले पढ़ना एक ही लोग बोले थे पढ़ना कौन बोले ये हम बोले थे सर क्या नाम क्या है लक्ष्मी
लक्ष्मी, चलिए लक्ष्मी ये खाली बोली, मतलब बाकी लोगों के लिए आराम करना प्राइमरी हो गया क्योंकि आप थके हुए हैं, नहीं समझे? यस सर। आप लोग के लिए प्राइमरी क्या लग रहा है, वहां पे क्या लग रहा है? आराम करना, आराम करना, यही मिस्टेक, इसको फील कीजिए, हम जो फील करा रहे हैं। हम भी बहुत थके रहते हैं लेकिन क्लास में आके बैठते हैं फिर भी, नहीं समझे? जीवली आते रहता है, उल्टी लगता रहता है, लगता है जाकर के सो जाए। बोले एक बार आप बोलेंगे तो आप लोग छुट्टी भी दे सकते हैं, लेकिन वो क्या आदत लग जाएगा, ये जो आदत होता है प्राइमरी पढ़ना, अब आदत लगाएंगे इसको, आदत लगाएंगे, आदत बन जाता है, समझे आप? और जब आदत लग जाएगा तो आप अपने आप को हमेशा थका हुआ फील कीजिएगा, हल्का भी हल्का सा लग रहा है ना, थके हुए, छोड़ो आराम कर लेते, पढ़ेंगे बाद में, क्या आपको आदत लग जाता है। हम छुट्टी क्यों नहीं देते आप लोगों का, तबियत खराब भी रहता है फिर भी छुट्टी नहीं देते, नोटिस किए हैं कभी आप लोग? यस सर। क्यों, इसका पीछे रीजन क्या है? वो मेरा आदत बन जाएगा, आदत सर, आप लोग ही गंदा आदत सबको डाल लिए हैं। उसका लिम इतना ही बोलेंगे, बिना पढ़ा लिखा इंसान कैसा होता है? मानुष के साथ जानवर से ही बदतर, जानवर से ही बदतर होता है। गलत नहीं बता रहा है, सही बता रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर बिना पढ़ा लिखा लोग बहुत बड़ा बड़ा है। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है, हम जो आपको ये सब ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का मतलब इसको बोलते हैं, एक जज्बे। बड़ा बड़ा बहुत बड़े बिना पढ़े लिखे लोग है, BMW पे घूम रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन वैसा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, दिमाग को एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो बिजनेस पे लगाया हुआ है, वो भी एक पढ़ाई है। ऐसा पढ़ाई थोड़ी जो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रही है, पढ़ाई है। दिमाग पे अच्छा प्लान कर रहे हैं, ये भी पढ़ाई है। गलत ये सही, ये बात को समझिए, हमेशा एक अच्छा प्लान कीजिए। ये आराम का ऑप्शन सबको, हमको भी आराम करने का मन करता है। क्या हमें बोल दें कल छुट्टी है तो आप लोग कुछ कर लीजिएगा, बैच छोड़ दीजिएगा, पैसा कम दीजिएगा, बताइए। हम बोलते हैं कल छुट्टी है, थकावट ऐसा लग रहा है, कल बैच छुट्टी कर देते हैं, क्या होगा इसमें, हमारा क्या नुकसान है? चलिए फायदा तो हम बहुत आराम कर लेंगे, कल आराम कर लेंगे पूरा। क्या रहता है, क्यों बच्चा इसमें से छुट्टी को बच्चा छोड़ देगा? एक भी नहीं छोड़ेगा। फीस काट लेगा एक दिन का? नो सर। तो इसमें हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है, आराम भी कर लिए, लेकिन एक नुकसान है क्या, ये आराम करना हमारा आदत लग जाएगा, और जब ये आदत लग जाएगा तो छुट्टी हम बहुत देने लगेंगे, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, तब बच्चा छोड़ना शुरू करेगा। गलत की सही, फिर क्या होगा, पैसा काटेगा, क्या पैसा कमाना शुरू करेगा, और फिर धीरे धीरे हम भी अपने किस्मत पे रोना शुरू करेंगे। गलत की सही, यही इक्वेशन है, समझे कि नहीं आप? यस सर। इसको बोलता है फ्यूचर एस्टिमेशन, फ्यूचर देखना, नहीं समझे? यस सर। ये शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में ऐसे हो जाएगा, रोना पड़ेगा, आंसू है, समझे आप? आंसू गिरेगा मेरा। गलत की सही, इतना समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग समझता नहीं है, सब शॉर्ट टर्म पे काम कर रहा है। छोड़ो, हम भी तो कर सकते हैं, आराम नहीं कर सकते हैं? गलत की सही, फील करके देखिए ना, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? आदत हो जाएगा, आदत हो जाएगा, अब बहुतों का हो गया है, देखिएगा बहुतों का आदत हो गया है, फिर हमेशा लगेगा, थकावट ही फील कीजिएगा, छोड़ो ना, कल लो छुट्टी दे देते, कल लो छुट्टी दे देते, आदत लग जाएगा ना आराम करने का हमको। यस सर। Yes, अभी हमको थकने का आदत लगा हुआ है यार, ऐसा ही थकते हैं, ये जिंदगी यही है। गलत की सही, बताइए, इतना पढ़ाने के बाद एक बेसिक क्वेश्चंस जो कि कुछ नहीं था, गलत की सही, अगर कोई नहीं बनाएगा तो कैसा फील होगा, कैसा फील होता है, आप समझ रहे हैं? आप इसमें भी हम कमजोरी महसूस करने लगते, बनाते तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट हो जाते, लगता है यार क्या कर रहे हैं हम, कहाँ पे बंजर जमीन पे पानी डाल रहे हैं, और यहाँ से मेरा फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है और फिर बैच खराब होने लगता है, और फिर पता है कभी कभी लगता है 4-5 लोगों को बात करते करते निकल जाएंगे, बैठे बैठे आप लोग पहले पैसा दीजिएगा, लेकिन फिर लगता है यार फिर पैसा बर्बाद हो रहा है। पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, कहाँ तक लिए थे स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे, इसका ले लिए थे, इसका भी ले लिए, चलिए इसका, चलिए इसका ले लिए, इसका ले लिए सर, इसका लेना है, ले लेंगे सर, बहुत अच्छा चीज है, सबसे मेन पढ़ाई वो 3 पेज नहीं, 1 पेज है। यस सर। सच पूछिए तो वो 3 पेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 पेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर। इसको फील कर लेना तब समझ में आ जाएगा।
ये जो आंसू है ना ये हंसी में बदल जाएगा, नहीं गलत ही सही सही है सर। कितना आपको नहीं हम जो फील करते हैं, जो सही बात बोले गलत बात बोल रहे हैं, कभी फील किए हैं कभी गलत की सही रिफ्लेक्शन नजर आता है, ये बात जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं आराम करते हैं? आदत, आदत लग जाएगा, जब आदत लग जाएगा तो क्या होगा, हमेशा छुट्टी देना सारा चीज हैबिचुअल हो जाएगी। अच्छा हमेशा छुट्टी देने लगेंगे तो बच्चा भागना शुरू करेगा, नहीं तो मेरा गुडविल गिरना शुरू हो जाएगा, अगर गुडविल गिर जाएगा तो आंसू गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर इस आदत को सुधारने के लिए पुराना दिन याद कर करके रोएंगे, क्या अच्छा था, सीए को कितना चलता था, बच्चे थे सब कुछ ठीक था, इतना पैसा आता था सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या कर लिए हमने, थोड़ा आराम करके, इसी से आया आराम, हराम है नहीं, आराम हराम है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. English में बोलता है idleness is the root cause of all evil. Idleness is the root cause of all evils. इसका मतलब समझे कि नहीं, क्या होता है आलसपन ही सभी सभी रोगों की जड़ है, अगर आप आलस कर रहे ना तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, और आप लोग के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे क्यों नहीं बनाता मोहित और लक्ष्मी, आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं, मोहित लक्ष्मी क्या प्रॉब्लम आया था सही से बताइए तो, सर जनरल गलत हो गया था तो आंसर प्रॉफिट निकला था सर, वही डिलग्रेट का मिशन जो निकाले थे उसी में गलती हो गया थी इसलिए नहीं निकला था सर प्रॉफिट। डिलग्रेटर का मिशन कहाँ है इसमें, नॉर्मल का मिशन है, मोहित यस क्यों नहीं आंसर आया था, सोचिए रुक के दो मिनट सोचिए कहां हम गलती कर रहे हैं बताइए, ये जो बनाया देखिए हम बनाने से किसी को फायदा नहीं हुआ, जो बनाया था तो बनाया था, जो नहीं बनाया था वो छापा, किसी को फायदा हुआ बनाने से, किसको फायदा हुआ बनाने से, किसी को फायदा नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, चलिए पांच नंबर क्वेश्चन कैसे बन गया, अच्छा स्क्रीनशॉट दिए नहीं थे ना क्वेश्चन का, नो सर अंकित स्क्रीनशॉट लेके क्या करते हैं आप, वाला बनाया है सर सही में, यस सर आज भेजिएगा तो कॉपी अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है चलिए, तो पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर खाली देखते हैं कुछ नया होगा तो बता देते हैं, ट्राई कीजिएगा होमवर्क देते हैं, सूर्य प्रकाश ऑफ कलकत्ता सेंड 1000 केसेस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन टू द रवि ब्रदर्स, मतलब रवि ब्रदर्स आपका कंसाइनी हो गया और सूर्य प्रकाश आपका कंसाइनर हो गया, फॉर्मेट बना लीजिएगा दो गुमुंडी और एरो देकर के बता दीजिएगा कि 1000 केसेस, केसेस का मतलब डब्बा या बक्सा, ऑफ द झरिया एट 100 पर केसेस, एक केस का रेट क्या था 100 पर केसेस, 100 एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट इनकर्ड बाय द कंसाइनर अमाउंटिंग टू 3000, कंसाइनर खर्च हो गया 3000, रवि ब्रदर्स इन झरिया वेयर वर्किंग एज डील क्रेडर एजेंट, डील क्रेडर एजेंट का मतलब उधार भी बेचता है उसको डील क्रेडर कमीशन भी मिलता है, देयर ऑर्डिनरी कमीशन वाज 5% एंड डील क्रेडर कमीशन 7.5%, अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं एकदम इजी है, मैसर्स रवि ब्रदर्स पेड बाय द चेक 50,000 एडवांस दिया एकदम इजी है टू द सूर्य प्रकाश ऑफ कलकत्ता इमीडिएटली ऑन रिसीप्ट टू द कंसाइनमेंट, बकबक किया है एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ एन अकाउंट सेल्स वेयर रिसीव बाय द सूर्य प्रकाश गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 6 महीने के बाद उसको अकाउंट सेल्स रिसीव हुआ जिसमें कंसाइनी ने बताया कंसाइनर को क्या क्या हुआ इस 6 महीने में, उसने बताया क्या सेल प्रोसीड ऑफ 750 केसेस फॉर रुपीज 1,50,000, मतलब 1000 केसेस में हमने 750 केसेस बेच दिया 1.5 लाख में, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स इन हैंड 250, नहीं बीते तो हम लोग निकाल लेते 1000 में 750 माइनस करके, कमीशन चार्ज एट एग्रीड रेट ऑफ 5% एंड 7.5%, तो कहीं पर क्रेडिट सेल्स का जिक्र नहीं किया है, मतलब टोटल पे हम 12.5% कमीशन निकाल देंगे पक्का, अलग अलग दिखाएंगे, जनरल कमीशन 5%
और डेल ग्रेटर कमीशन 7.5% अलग अलग दिखाएंगे, टोटल 12.5% कमीशन आएगा। यस सर। कंसाइनीज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1200, इतना इजी। ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 50,000 वाज सेंड बाय द रवि ब्रदर्स अलोंग विद द अकाउंट सेल्स। पहला भी 50,000 दिया था बेचारा बैंक से, फिर आपको एक फिर से क्या किया, एक बैंक ड्राफ्ट भेजा दिया बैंक से, तो 1,00,000 रुपए आ चुका है, दो बार मतलब एडवांस कर दिया ये, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लियर द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द सूर्य प्रकाश, एकदम ईजी है, खाली आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो हल्का सा मेहनत कहाँ पे करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। आपको 250 केसेस को गुना करना है कितने से, 100 रुपया से। उसके बाद क्या करना, कंसाइनर का खर्च हुआ था कितना, 3,000, तो सिंपल है 3,000 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 1,000 से, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, उसको निकालते ऐड करेंगे कंसाइनी का खर्च 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया कंसाइनी खर्च किया था, कितने पे खर्च किया था, 1,000 रुपए, और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 25,000 cost, और consignor खर्च 1,000 बटा 1,000 3 और ये 250, 750, इसका कितना आ रहा है 200 ना 200 ना कट गया 101 ना कट गया 25 गुने 12 300, 300, तो टोटल स्टॉक का वैल्यूएशन आपको आ गया 0, 5, 7, 10, 0, 2, 4, 1, 6, 2, 26,000, 50 जब एक्सपेंस खाली दिया हुआ तो एक्सपेंस तो कुछ भी हो सकता है, गलत की सही, और किताब में तो सर पता कैसे चलेगा, चलेगा अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं जानते हैं, जंपसम बेस्ड होता है। यस सर। सिंपल है, आपका आंसर गलत थोड़ी है, 2650 आया तो आपका थोड़ी आंसर गलत है, इसका ये निकाल दिया 25,750, नहीं समझे, देखिए हम आंसर देख के पढ़ा देंगे तो आंसर तो मिला देंगे, लेकिन मतलब नहीं ना, फिर आप समझिए कि एक सीए को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, खाली एक्सपीरियंस देख के आप क्या समझिएगा, गलत की सही, सही सही। मतलब क्या बताएं, एक्सपेंस दो तरह का होता है, रेकरिंग और नॉन-रेकरिंग। इसमें खाली एक्सपेंस दिया हुआ, आप इसको क्या कुछ भी मान सकते हैं, जमसा नहीं यहाँ पे, गलत की सही, सही। क्या हो रहा है आपका आंसर, अगर ऐसे आता है तो फिर भी सही है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर, यहाँ ना आंसर दिया हुआ, एग्जाम में आंसर दिया रहेगा, तो वहां पे हम क्या बोले, जब एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो मन में उसी समय क्वेश्चन आया था कि सर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पता नहीं चल रहा है रेकरिंग या नॉन-रेकरिंग, तो हम नीचे में जंक्शन उसी समय में लिख देंगे, इस क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस दिया गया है इसका डिटेल नहीं दिया गया है, इस एक्सपेंसेस को हम नॉन रेकरिंग मान रहे हैं और वैल्यूएशन स्टॉक ऑफ वैल्यूएशंस में कर रहे हैं, और लास्ट में लगेगा डाउट लगेगा तो बोल देंगे अगर इसको हम वैल्यूएशन में नहीं लेते तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 25,750 आता और प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा और बढ़ जाता, गलत की सही, कम हो जाता, सही सर। यस सर। इसमें ये पॉइंट को समझ रहे कि नहीं आप, यस सर, अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, अकाउंटिंग लिमिटेशंस क्या है, अच्छा पढ़े हैं कभी लिमिटेशन, सबसे पहला तो ये पास डेटा पे डिपेंड होता है, पास डेटा, फ्यूचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो भी जो बता रहा है रिजल्ट किस पे बता रहा है, पास डेटा बता रहा है, पक्का। दूसरी बात, बहुत जगह एजम्पशन है, एजम्पशन का मतलब क्या है, अब वहां पे दो मेथड है, एजम्पशन में क्या है आपको गोइंग कंसर्न मेथड है और एक आपको अक्रूअल सिस्टम है, मतलब एक होता है ना कैश पे करते हैं, एक अक्रूअल बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है, याद आ रहा है, चार मेथड है इसका, एक होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो, एक होता है वेटेड एवरेज, तो अब इसमें से सबका वैल्यूएशन अलग अलग आएगा, तो क्या लगता है दो कंपनी एक जैसी कंपनी है, दोनों कंपनी एक है, सब ट्रांजेक्शन 100% सेम है, लेकिन अकाउंट करेगा ना दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, गलत की सही, क्योंकि यहाँ पर ये किया होगा, ये किया होगा, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है,
अब सिंपल है, यहाँ पे एक डॉक्टर और यहाँ एक एमआर है, एक डॉक्टर और एमआर है, ठीक है, दोनों ने एक बाइक लिया 1,00,000 का, ठीक है, तो दोनों के बैलेंस शीट में बाइक कितना का दिख रहा होगा, 1,00,000 का? यस सर, दिख रहा होगा? यस सर। अब डॉक्टर कभी कभी निकलता है सर, कभी कभी, तो उसके साल भर में पूरा गाड़ी चला तो कितना चला, 500 किलोमीटर, और जो एम आर है उसका कम से कम चला होगा, नहीं तो 5,000 किलोमीटर चला होगा कि नहीं चला होगा, ज्यादा ही चला होगा, कमी लीजिए। लेकिन एंड ऑफ द ईयर दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना पड़ेगा, 10%। तो यहाँ भी बाइक दिख रहा है 90,000 का, और एमआर का बाइक भी दिख रहा है 90,000। क्या लग रहा है, काउंटिंग का ही लिमिटेशन है ना, तो 10% क्या है, एक जजमेंट है, ये क्या है जजमेंट, देखा जाए तो एक्चुअली इसका 5% डेप्रिसिएशन हुआ और इसका 50%, गलत की सही? दूसरी बात है कि आप जब एग्जाम में रहेगा तो वहां पर क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा रहता है सीए सब में कि मतलब आप जहां भी चाहते हैं मतलब एग्जामिशन लेना आप ले सकते हैं, तो हम लोग के सीए में जब ऐसा क्वेश्चन आता है जजमेंट लेना ही पड़ेगा ना, आप पिक्चराइज कीजिए ना, हम जो बोल रहे हैं क्या कीजिएगा, आप खाली एक्सपीरियंस दिया हुआ है, कैसे नहीं होगा, गलत ही सही? सही सर। यहाँ पर क्या जजमेंट कीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, अब कहाँ पता चल रहा है कि गोडाउन रेंट है कि अनलोडिंग है, हम तो मानेंगे भाई सामान उतरा होगा तो ये तो उतरवाया जरूर होगा, गलत की सही? सही। 1,200 रुपया अनलोडिंग होगा जो कि हम चार्ज करते हैं, नहीं करते हैं चार्ज? यस सर। यस सर। क्या हम आंसर मिला देंगे तो हम काबिल बन जाएंगे? नो सर। सही बताते हैं, जो अगर सीए नहीं बना है ना आज जरूर आपको आंसर मिला देता कि मेरा इमेज डाउन नहीं है, और आप भी सोचते साला आंसर मिला देता है इतना तेज है फिर भी साला सीए नहीं बना, गलत की सही? आज लगता है साला इस समझ में आ रहा है इसीलिए सीए नहीं बना क्योंकि आंसर मिला था। yes, समझे कि नहीं बात को आप, और इंस्टीट्यूट इसी को खोज रहा है, बोलता है अच्छा साला तुमको कैसे पता रे रेकनिंग की नॉन रेकनिंग है, गलत की सही? चश्मा से तुम देख लिया, हमको तो नहीं दिखा, सब बात समझे, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। आज हम भी अगर सीए नहीं रहते तो क्या करते पता है, क्या करते हैं हम, सीए हैं इसके लिए आंसर नहीं मिला है, अगर सीए नहीं रहते तो क्या करते पता है, कल रात में देख के आते 10 मिनट पहले देख लेते एक बार, कितना देर लगता देखने, 5 मिनट बहुत हो गया एकदम, और अभी आपका आंसर मिला देते साला, आप भी बोलते साला कैसे ले लिया, सही में यार हम तो साला लिए थे तो साला हम ले लिए थे इसको, मास्टर जो बताया था नहीं लिया, ले लिया कभी नहीं लिया, कभी लिया कभी नहीं लिया, साला कभी लेता है कभी नहीं लेता है, अकाउंट मेरे बस का बात नहीं, गलत की सही? ऐसे ना मन में आता सही? यस और एक्चुअली में पता है यहाँ का 98% बच्चा का ये स्थिति है, कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उसका सर आंसर मिलवा देते हैं, नहीं ना लेंगे जी, लेंगे नहीं, दो को बना करके आया नहीं समझो, दोनों घर पे ट्राई किया था, एक बार लिया एक बार नहीं लिया, देखा नहीं लेने का आंसर आ गया, नहीं समझे, क्लिक कर गया उसको, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, और वो मास्टर पकड़ लेता किसका आंसर, उसी भी अनन्या का आंसर मिल गया, हम पकड़ लेंगे ये सर मेरा आंसर आ गया है, नहीं समझे, हम बोलेंगे उसको नहीं ना लेंगे जी कसाना का एक्सपेंसेस, ये सर नहीं लेंगे, वो भी कॉन्फिडेंस में साला हमको भी नाम कमाने का मौका, नहीं लेंगे, बुढ़वा को लोग कहे ले लिया तुमने, लेंगे जी तो नहीं लेंगे, क्या प्रीति लेंगे, नहीं लेंगे सर, लेकिन मालूम है इसके दिल में ही लोग क्या कर रहा है, साला हम भी पहले ले लिए थे तो नहीं लिए तो आंसर आ गया, अलग बात है, लेकिन साला पहले हम भी ले लिए थे, अब देख रहे हैं, देखिए एक गंदा एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, साला एकदम सब सस्पेंस, बाकी लोग समझ रहा है कि चारों को बड़ी तेज है, चारों समझ रहा है साला तो हम तो जान रहे हैं तेज है, लेकिन साला ये मिस्टेक हमको भी कंफ्यूजन लगले रह गया, वो तो आंसर मिला दिया लेकिन बोला नहीं उस समय, एकदम यह सर एकदम नहीं समझ में आ रहा, अंदर से टूटा हुआ है ऊपर से हंस रहा है, यही दुनिया है, और वो अंदर से टूटते टूटते एकदम टूट जाता है, नहीं समझे, फील कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, एकदम बड़ा बात बोल रहे हैं, इसको अगर फील कर लिया ना समझ जाइएगा, बल्कि सही सही और वो अंदर टूटते टूटते इतना टूट जाता है, दुनिया की नजर में सक्सेस कर लिया है, लेकिन फिर आपको एंड ऑफ द रिजल्ट आपको क्या लगा कि आप नहीं पास कर पाए, कारण क्या लगा,
कहीं ना कहीं आप अपने आप को जान रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपने अंदर में थोड़ा सा गंदगी छोड़ दी है, गलत की सही। अब ठीक है बैच में 20 गो के हीरो बन गए 16 गो के सामने में, लेकिन एक्चुअली इसका तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो पहले से हारा हुआ था और उसको हराने के चक्कर में आप भी जीत सकते थे लेकिन हार गए। आप सर से ये नहीं पूछ पाए, सर क्यों, सर ये तो पता नहीं चला, सर हम तो जोड़ लिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, बस नाम कमाने के चक्कर में रह गए, उस गंदगी को अंदर छुपा लिए, गलत की सही। तो वहां पे मुंह खोलना अच्छा था कि वो गंदगी छुपाना अच्छा था? मुंह खोलना अच्छा है, लेकिन आप लोग करते क्या, दिल से बोलिए, प्रीतिया बोले ना मुंह खोलना अच्छा है। यस सर। लेकिन आप क्या करते, सच बताइएगा, एकदम दिल से बताइए जी, बिहारी एकदम यहाँ के मेंटलिटी से आप क्या करते, एकदम दिल से बोलिए, कसम है आपको। यस सर, एक बार ऐड करते और एक बार लेस करते, नहीं आता मतलब आ जाता तो छोड़ देते। क्लास में क्या बोलते? मुंह खोलना सर। बन गया, बन गया। और आप नहीं पूछते ही क्वेश्चन, क्योंकि अरे छोड़ो छोड़ो ना, अभी इतना के सामने इज्जत बन रहा है ना। और सबसे प्रीति कितना तेज है, बाप रे बाप, हम लोग तो ले लिए थे आप सबको हराने, आप सबको लग रहा है सबको हरा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सबको हरा नहीं रहे, एक्चुअली वहां पे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, खुद गलत सीख रहे हैं, आप भी हार रहे हैं, दूसरे को हराने के चक्कर में आप हार गए। यस सर। इसे पता है छोटा छोटा बात कोई फील नहीं कर पा रहा है, मुझे फील करा रहे हैं, और सक्सेस यही छुपा हुआ है, नहीं समझे, आपको लग रहा है सक्सेस कहाँ है, सक्सेस लोग यहाँ ढूंढ रहा है, सक्सेस यहाँ नहीं है, सक्सेस बस ये आप छोटा सा समझ में आ रहा है, छोटा छोटा सक्सेस जो है ना आपको तोड़ दे रहा है, ये बलून की तरह है और ये आप बलून में एक छेद की तरह है, नहीं समझ में आ रहा है, पूरा आप हवा भर रहे हैं उसमें, लेकिन इस तरह से निकलते जा रहा है, यही वो पॉइंट था, समझे, जोड़े नहीं जोड़े, गलत की सही, पूरा भरा हुआ हवा आपका क्या कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया, यही जोड़े कि नहीं जोड़े, तुम फील कर रहे हैं इसको, जो बोल रहे हैं आपको लग रहा है सर इतना हवा भर रहे हैं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें एक छोटा छेद है, यही फील कीजिए, जोड़े कि नहीं जोड़े, क्या फील किए, फील कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, जिंदगी भर हवा भरते रह गए नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं आया, इसलिए हवा भरने से अच्छा था वहां पे पहले टेप मारते, गलत की सही, और फिर फूंक मारते, सही। जब थियरी पढ़ा रहे थे तो ये पॉइंट हम रिपीट किए थे कि पता नहीं चल गया, याद है आपको, यस सर, बताए थे ना कि यही प्रॉब्लम आता है, yes, आपका आंसर यहीं पे नहीं मिलेगा, आंसर क्यों नहीं मिलेगा, आप लॉजिक समझ, क्यों मिलेगा, खाली एक्सपेंस दिया हुआ भाई, दिया कभी कभी मान भी लेता है, कभी कभी ऐड कर देगा, तो वो कहां से पता चलेगा, खाली एक्सपेंसेस है, गलत या सही, चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलिए तो इसमें जब एडमिशन दिया है एक्चुअली आपका अगर 2650 पे मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एजम्पशन लिखने का आदत डाल लीजिए, एजम्पशन समझते हैं, नीचे में लिख दीजिएगा कि इसको रैकरिंग नॉन रैकरिंग मान के बनाया गया है, पक्का, ये मत सोचिए कि एलएनएम में नंबर नहीं देगा, हो सकता है एलएनएम में नंबर नहीं देगा, तो हमको नंबर के लिए थोड़ी पढ़ना है, हमको आगे के लिए पढ़ना है, गलत की सही, नहीं देगा नहीं देगा, चलो भाई हम सही थे ना, आपको याद है ना कंसाइनमेंट में आपको एग्जाम्पल बताए थे हम, सब दोस्त का एक 92 था, एक का कितना 86 था और मेरा 76 था, याद आ रहा है, yes, yes, sir. लेकिन आज हम CA हैं, yes, sir. भाई 92 वाला रेलवे में ग्रुप डी में है, समझ पा रहे हैं, और ये प्राइवेट जॉब में है, अच्छा कौन हुआ 76 की 92 वो जज नहीं कर पाया, नहीं दिया नंबर, वो एंट्री किया था याद है, yes, sir. क्या यहाँ पर फेंक दिया, लेकिन ये उठा लिया ना, ये शॉर्ट टर्म था, ये शॉर्ट टर्म था और ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, उस समय अगर अफसोस करते तो क्या होता, नहीं किया अफसोस, समझ रहे थे भाई, हम तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ LNMU हमारे लायक नहीं है, समझे कि नहीं, इसको बोलना गलत बात नहीं है, गलत की सही, हम LNMU के लायक नहीं है,
एलएनएमयू हमारे लायक नहीं, हम लोग तो आईसीआई के लायक हैं, गलत की सही इसी मान के चलेंगे। अब एक तरफ आईसीआई को लेके देखिए, एक तरफ एलएनएमयू को लेकर के देखिए, फील कीजिए तो कैसा लग रहा है? यस सर। इस पे कौन सा सिंबल सूट करेगा, ये कि ये कि ये? कौन वाला लास्ट वाला मुंह पे मारेंगे, कौन वाला लास्ट वाला, ये लास्ट वाला कौन वाला है अंकित? यस सर। अरे बचपन में नहीं सीखे थे जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़का होता है, ये बड़का है। ओ सॉरी सर, यहाँ भी रट्टा मारा था ये। समझ रहे, प्रॉब्लम तो यही है, बेसिक में प्रॉब्लम है, नहीं समझे? यहाँ पे एक छेद छोड़ दिया था, समझे? आज उसका भुगतान पड़ना पड़ा। नहीं लोग पूछा आईसीआई की एलएनएमयू, तो ये क्या मार के आया? सत्यानाश तो आप लोग यहीं से कर लिए, बेसिक इतना खराब है ना आपका। कौन सूट करेगा, सेकंड नंबर ना? सेकंड यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अरे कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए कि एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर क्या बताता है, जिधर मुंह खुला होता है बड़ा होता है, याद है? यस सर। यस सर। फिर तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया अंकित, और आज फंस गया ना आज, क्या अंकित? यस सर। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपको लोगों को पहचानने में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आपके कॉन्सेप्ट में है सर। अभी कुछ कुछ चार पांच लोग सोच रहा होगा साला इस महीना का पैसा बहुते बर्बाद हो गया, साला 8 दिन खाली गप दिया है, खाली क्या दिया है, गप दिया है खाली, साला अभी तक चैप्टर खत्म हो जाता। कौन कौन है उस लिस्ट में? डर ही कोई नहीं बोलेगा, ए नहीं सर, ए सर। अच्छा आपको लग रहा है हम जो बताना चाह रहे हैं लगता है साला सही में यार एकदम खुला किताब है दुनिया, लेकिन हम ही लोग देख नहीं पा रहे हैं? नहीं Yes, और हम जितना स्टोरी सुनाते हैं हम कभी दूसरे का स्टोरी नहीं लिए, सब अपना स्टोरी सुनाते हैं, सब सब एकदम 100% रियल है, नहीं? Yes, सही। Yes, सही। अब क्यों फील करा देते हैं, क्यों फील करेंगे यार, हम जो फील किए आपको फील करा रहे हैं, बहुत बुरा लगा होगा उस समय, नहीं बुरा लगा होगा? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट टर्म पे काम करें कि लॉन्ग टर्म पे काम करें? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे LNM क्या करता है इस पे सोचिए मत, नहीं देगा नहीं देगा, क्या दे, फेल कर देगा, कर दो फेल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यस सर। तो यही चीज है यहाँ पे, जैसे ICAI है ना, ICAI और एक है LNMU, हम लोग को पहचानने का कैपेसिटी जिसमें है इसमें नहीं, तो यहाँ के जो लोग भी है ना LNMU की तरह लोग है, 98% लोग जो है ना LNMU की तरह है, 2% लोग ICAI की तरह, तो हमको पहचानने का कौन, ये लोग 2%, लेकिन हम यहाँ पे बेवकूफ बन जाते हैं, समझे आप, क्योंकि भीड़ इसका है, भीड़ किसका है, इसका है, 98%. इसका भीड़ ही नहीं है मार्केट में, तो हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, और ये लोग का जमकट जबरदस्त होता है, क्योंकि 2% भी होते हैं ना तो ये लोग बिजी रहते हैं, 2% भी क्या होता है ना तो ये लोग बिजी रहते हैं, नहीं समझे, ये लोग आपस में टाइम नहीं दे पाते, जो 98% लोग है ना इन लोग काम धंधा नहीं रहता है, ये गुट 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 करते रहते हैं, समझ में आ रहा है? गलत के सही, ये बात तो इस बात में समझे कि नहीं समझे आप? तो इन लोगों का पलड़ा बहुत भारी होता है, बहुत भारी, इसको तोड़ना जो है ना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, तो 9:29 हो गया, कल मिलते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब ज्ञान कोई नहीं देगा, कि देगा? नहीं देगा कोई। अंकित? यस सर। ये सब ज्ञान कोई देगा? नो सर। ये सब ले लीजिए, सब ज्ञान, सब ज्ञान है, सब ले लीजिए, कोई बोलेगा ना घर में क्या समझाइएगा, कोई काउंटिंग का लिमिटेशंस है? अच्छा बताइए, आप लिमिटेशन पढ़े होंगे लेकिन आज फील किए होंगे डॉक्टर और एमआर का गाड़ी, याद रहेगा ना?
अब ज्यादा हम बोल देंगे तो अकाउंट पर भरोसा उठ जाएगा, नहीं समझे? नहीं नहीं भरोसा उठ जाएगा। यस सर। चलिए ये क्या था, ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये सबसे अच्छा आज का सबसे मेन आज का यही है। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, हवा तो बहुत भर रहे हैं लेकिन इसमें छेद छोड़ दे रहे हैं, पूरा आउटपुट आप खत्म कर दे रहा है क्या? और वो छेद क्या है, अकाउंटिंग एजम्पशन, इसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, समझते ही नहीं कि एजम्पशन क्या होता है, सबको एक्चुअल मान के चल रहे हैं। नहीं ये यहाँ के टीचर लोग कभी एजम्पशन वर्ड यूज ही नहीं किए, वो सॉल्यूशन बुक देख करके क्या करते हैं, आंसर मिला देते हैं। yes, sir. और बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, साला ही कैसे हो गया। नहीं मास्टरवा के पास एक चश्मा होता है, नहीं चश्मा बड़का चश्मा होता है, उसी से देख लेता है, एक्सपेंस को एकदम गौर से देखता है, नहीं समझ में आ रहा है, और उसको दिख जाता है एक्सपेंस रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है। और हम बता देते हैं चश्मा का नाम, चश्मा का नाम है सॉल्यूशन बुक। समझ में आया? यस सर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? यस सर। चश्मा का नाम क्या है, चश्मा क्या है, सॉल्यूशन बुक। ठीक है ना? यस सर। चलिए ये भी याद रहेगा मेरा कहानी, आप बीती क्या? Yes, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो अपने आप को मत कोसिए, लेकिन हर एक केस में नहीं, नहीं समझे? ये भी बहुत अच्छा है, नहीं ये भी बहुत अच्छा है, नहीं yes. अच्छा एकदम लॉजिकल बात है, आपको भी नोटिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, हम जो बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं फील होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. क्या बोल रहे हैं हम, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? आप कुछ कुछ गौर कीजिएगा तो कोई एलएनएमयू बोलेगा, अपने आप को नहीं बोल रहा है। यहाँ पे आप एलएनएमयू बोल के देखिए, यहाँ पे आप आईसीएआई बोल के देखिए, आपके पास एलएनएमयू का सर्टिफिकेट है, आपके पास आईसीएआई का सर्टिफिकेट है, कैसा फील हो रहा है? बहुत आदमी तो समझेगा।